चैप्टर फर्स्ट ऑफ एनसीईआरटी क्लास एट इंग्लिश टेक्स्ट बुक इट्स सो हैपन। आज हम इट्स सो हैपन बुक का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे और चैप्टर का नाम क्या है, हाउ द कैमल गॉट हिज हम, कैमल को अपना हम कैसे मिला। और हम क्या होता है, जो कैमल के ऊपर जो एक फ्लफी सा पार्ट होता है जिसे हम कूबर कहते हैं, वो कैमल को कैसे मिला। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। The war had just begun and the animals were working for humans. ये जब की स्टोरी है, जब ये दुनिया स्टार्ट ही हुई थी और जो एनिमल्स थे वो इंसानों के लिए काम करना स्टार्ट कर चुके थे, वो काम करते थे। There was one lazy animal that did nothing and said nothing but hum. एक बहुत ही लेजी एनिमल था उस टाइम पे, जो कुछ भी नहीं करता था और कहता भी कुछ नहीं था, सिर्फ हम हम कहता था। Even the clever gin was at his wit's end. और जो क्लेवर जिन था वो भी कंफ्यूज हो गया उसकी हम हम से। तो लेट्स सी क्या है स्टोरी। इन द बिगिनिंग व्हेन द वॉर वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, स्टार्टिंग की बात है जब दुनिया स्टार्ट ही हुई थी, बिल्कुल दुनिया न्यू थी और जो एनिमल्स थे उन्होंने भी इंसानों के लिए काम करना स्टार्ट किया था। देयर वाज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट। एक कैमल था जो कि हॉलिंग डेजर्ट के बीच में रहता था, मिडिल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट। जो डेजर्ट था वो सुनसान सा एक था, भयानक सा डेजर्ट। और हॉलिंग डेजर्ट इसलिए बोला है क्योंकि वहां पे हवाओं की आवाज आती है, हॉलिंग साउंड आता है जिसमें विंड हॉल करती है। बिकॉज ही डिडंट वांट टू वर्क। अब ये क्वेश्चन बनता है कि वो हॉलिंग डेजर्ट के मिडिल में क्यों रहता था, क्योंकि वो कुछ भी काम नहीं करना चाहता था। ही वॉज वेरी लेजी, ही डिडंट वांट टू वर्क। वो इतना लेजी था, वो कुछ भी काम नहीं करना चाहता था, इसलिए हॉलिंग डेजर्ट के मिडिल में जाके रहता था ताकि कोई वहां पे आए नहीं, कोई काम भी नहीं बताए। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर। क्या क्या खाता था वो? स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स खाता था, यानी स्मॉल पीसेस ऑफ वुड खाता था, स्टिक्स खाता था, टेनिया ब्रांचेस और जो कांटे होते हैं जो कि पॉइंटेड ग्रोथ थॉर्न्स होते हैं, लीव्स होती हैं, वो सब वो खाता था। और जब भी कोई उससे बात करता था वो क्या कहता था? हम, जस्ट हम एंड नो मोर, यानी हम के अलावा कुछ भी नहीं कहता था। यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज अ कैमल। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। अब सबसे पहले उसके पास कौन आया? हॉर्स आया। और कब आया? मंडे मॉर्निंग को, विद अ सैडल ऑन हिज बैक। और हॉर्स के पीछे क्या होता है? सैडल होती है, जैसे हम काठी बोलते हैं, जैसे लकड़ी की काठी सौंग दी है, तो हॉर्स के पीछे जो सीट होती है, वो जो सैडल होती है, वो उसके बैक पे लगी हुई थी। और मंडे को मॉर्निंग में हॉर्स कैमल के पास आया और क्या बोला आके? कैमल ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। उसने कहा कैमल ओ कैमल, चलो जैसे हम ट्रोट करते हैं। ट्रोट का मीनिंग यहाँ पे रनिंग ऑन टू लेग्स, दो लेग्स पे हम जैसे रनिंग करते हैं और हम भी चलते हैं इस तरीके से, तुम भी चलो और काम करो। हम, सेड द कैमल, लेकिन कैमल ने क्या रिप्लाई दिया? हम। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। हॉर्स चला गया और उसने मैन को जाके बताया कि उसके साथ क्या किया। कैमल ने कुछ जवाब नहीं दिया और हम बोला। प्रेजेंटली द डॉग केम। अब सेकेंड नंबर पे कौन आया? डॉग आया कैमल के पास। यानी फर्स्ट पे तो हॉर्स आया था मंडे मॉर्निंग में, सेकेंड में अब डॉग जाएगा। With a stick in his mouth, dog के मुंह में क्या है? Stick है। अब dog ने जाके उसको क्या कहा? Camel ओ camel, come and fetch the carry like the rest of us। उसने कहा camel ओ camel, चलो जैसे हम fetch and carry करते हैं, यानी कोई चीज को लेके आते हैं, जाते हैं फिर लेके आते हैं, जैसे dog करता है to go and bring, तो उसी तरीके से तुम भी जाओ और हमारी तरह सामान लेके आओ। हम, लेकिन कैमल ने फिर क्या रिप्लाई दिया? हम। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। अब डॉग भी चला गया और उसने भी मैन को सब कुछ बताया। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम। अब थर्ड नंबर पे कौन आएगा? ऑक्स, विद अ योक ऑन हिज नेक। अब उसके गले में क्या है? योक है, जैसे बैल पे लगाते हैं अ पीस ऑफ वुड जो कि फिक्स होता है उसके नेक पे, उसको कहते हैं योक। तो उसकी भी नेक पे योक लग रहा था और वो हॉर्स के कैमल के पास आया। कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अब ऑक्स ने कैमल को क्या कहा कि कैमल ओ कैमल, चलो जैसे हम प्लो करते हैं अ फील्ड को, जैसे हम हल चलाते हैं, जुताई करते हैं, खेती करते हैं, वैसे तुम भी करो। हम, सेड द कैमल। कैमल ने तो हमेशा की तरह क्या कहा? हम।
एनॉक्स वेंट अवे एंड टोल द मैन। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हॉर्स आया, फिर डॉग आया, फिर ऑक्स आया कैमल के पास, लेकिन तीनों को उसने हम कह के मना कर दिया, यानी एक तरीके से रिप्लाई दिया हम और कुछ भी नहीं कहा। अब तीनों कहाँ गए? मैन के पास। तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि हॉर्स, ऑक्स और डॉग ये तीनों मैन को बताने गए कि हम कैमल के पास गए थे, तो कैमल ने हमें हम बोला। द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। अब जब दिन के एंड का टाइम आ गया तो जो मैन था उसने उन तीनों को बुलाया एक साथ, क्योंकि पहले तो ये अलग अलग गए थे। पहले हॉर्स गया था मंडे को, फिर उसने कैमल को बोला, लेकिन कैमल ने हम कहा तो वो मैन के पास गया। फिर डॉग गया था ट्यूजडे को, फिर डॉग को भी हमको बोला कैमल ने, तो डॉग गया मैन के पास उसकी शिकायत करने। फिर ऑक्स गया था कैमल के पास, तो ऑक्स को भी हम बोला, तो ऑक्स गया था मैन के पास। अब मैन ने तीनों को एक साथ बुला लिया एंड में और क्या कहा, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। मैन ने इन तीनों को क्या कहा कि अरे वो तीनों तुम, मैं तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, मतलब मुझे थोड़ा दुख है तुम्हारे लिए, बट द हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क। लेकिन जो हम थिंग है, अब यहाँ पे हम थिंग कौन है? कैमल, क्योंकि वो हम करता था, उसका नाम ही हम थिंग पड़ गया। तो जो डेजर्ट में कैमल रहता है वो तो काम नहीं कर सकता, और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, नहीं तो वो यहाँ आ जाता अभी तक तो और काम कर लेता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, तो मैं तो उसको अकेला छोड़ने वाला हूँ, उसको छोड़ दो, उसके हाल में कुछ काम करता नहीं है। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, तुम सबको डबल टाइम वर्क करना पड़ेगा उसकी कमी को पूरा करने के लिए, टू मेकअप फॉर इट, यहाँ पे कंपनसेट करने के लिए, यानी कि उसकी कमी को पूरा करने के लिए तुम्हें डबल काम करना पड़ेगा, उसके हिस्से का भी काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, ये सुन के तो तीनों एनिमल बहुत गुस्से में आ गए। एंड दे हेल्ड पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, उन्होंने डिसाइड किया कि पंचायत बुलाएंगे, तो उन्होंने पंचायत बुलाई डेजर्ट के किनारे पर, एज ऑफ द डेजर्ट। एंड कैमल केम चीविंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम, और कैमल आया चबाते हुए, क्या क्या चबा रहा था वो, जो भी कर्ड होता है, यानी कि जो पहले से उसने खा रखा होता है उसके जुगाली करते हुए वो आ रहा था, जो लीव्स और थॉर्न्स उसने खा रखे थे, और हंसा। देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, यानी पंचायत में भी कैमल चबाते हुए आया और हंसा और हम कहके चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ओवर डेजर्ट रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट। तभी वहां पे कौन आया? जिन आया, ये डेजर्ट का जिन है, इसलिए यहाँ पे डी जिन लिखा है। तो जिन आप जानते ही है, जिन कौन होता है? तो जिन वो होते हैं जो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं और कहीं भी उड़ के या ऐसे भी चले जाते हैं। तो जिन आया, और वो कौन था जिन? इंचार्ज ऑफ ओवर डेजर्ट, पूरे डेजर्ट का इंचार्ज था जिन। वो आया, और वो कैसे आया? डस्ट के क्लाउड में रोल करता हुआ, यानी धुएं के बादल में वो रोल करता हुआ। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जिन है और ये जिन क्लाउड्स में, डस्ट के क्लाउड्स में रोल करता हुआ, गोल गोल घूमता हुआ इन तीनों के सामने प्रेजेंट हो गया। जिन ऑफ ओल्ड डेजर्ट, अभी तीनों एनिमल्स जिन से बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखते हैं। हॉर्स ने सबसे पहले क्या कहा कि वो इंचार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, जो जिन हो तुम सारे डेजर्ट के इंचार्ज, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या किसी के लिए आइडल होना यानी कि लेजी और इनएक्टिव होना सही बात है? यानी कोई इतना लेजी है, कोई एक्टिव नहीं है, कुछ काम ही नहीं करता है, क्या ये सही बात है? जिन ने कहा सर्टेनली नॉट, नहीं बिल्कुल नहीं। वेल सेड द हॉर्स, फिर हॉर्स ने आगे क्या कहा, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning, he won't trot. Horse ने कहा कि देखो ना, आपके डेजर्ट के मिडिल में एक चीज है, यानी कि यहाँ पे कैमल को बोला है थिंग, वो जो हम थिंग थी, तो डेजर्ट के मिडिल में एक चीज है, उसके लंबी लंबी नेक है, लंबी लंबी लेग्स है, और वो बिल्कुल काम नहीं करता है, उसने मंडे मॉर्निंग से कुछ काम नहीं किया है, यानी हमारी तरह ट्रॉट भी नहीं किया है उसने। जिनने सरप्राइज फीलिंग के साथ बोला, अच्छा दैट्स माय कैमल, अरे वो तो कैमल है मेरा, व्हाट डज ही से अबाउट इट, क्या कहता है वो इस बारे में? यानी जब हॉर्स ने बताया कि उसकी लॉन्ग नेक है, लॉन्ग लेग्स है, और वो मिडिल ऑफ डेजर्ट में रहता है, और वो बहुत लेजी है, तो जिन उसको आइडेंटिफाई कर लिया, जिन ने उसको पहचान लिया कि वो तो कैमल है, और उसने हॉर्स से पूछा कि आखिर वो कहता क्या है? से ही सेज हम, कुछ नहीं कहता वो, हम कहता है। And he won't plow, said the ox. Ox ने कहा वो हमारी तरह प्लोइंग भी नहीं करता है, यानी खेत में काम भी नहीं करता है, फील्ड को प्लो भी नहीं करता है,
वेरी गुड सेड द जिंजर ने कहा अच्छी बात है आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट मैं उसको हम्प ही कर दूंगा तुम एक मिनट के लिए मेरा वेट करो तो इन तीनों ने कंप्लेन किससे की जिन से और जिन ने कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसको इस बात का पनिशमेंट मिलेगा सो नाउ वी विल सी पार्ट सेकंड तो वहाँ तीनों ने उसको कंप्लेन की जिन से कैमल के बारे में तो जिन ने क्या कहा हाँ मैं ठीक है मैं उसको राइड कर दूंगा जाके मैं देखता हूँ जिन रिमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम अब जिन वहां जाके कैमल से मिला वो क्या कहता था कैमल हम कैमल ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू ए लंप अब कैमल की जो ब्यूटीफुल बैक थी उसकी जो पीठ थी उसमें एक लंप हो गया विच वॉज द कैमल्स हम जो कि कैमल का हम था जिन एश्योर्ड द कैमल इज हम वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट ए हिंड्रेंस यानी कि यहाँ पे जिन ने प्रॉमिस किया कैमल को कि जो तुम्हारी हम है वो हमेशा हेल्प करेगी किसी काम में रुकावट नहीं बनेगी तो ये सब कैसे हुआ देखते हैं द जिन रोड हिमसेल्फ अमिन इज डस्ट क्लाउड अभी मैंने बताया था कि जिन हमेशा डस्ट के क्लाउड से या क्लॉक से गिरा हुआ घूमता घूमता जाता था एंड टू के वॉक अक्रॉस द डेजर्ट उसने पूरे डेजर्ट में वॉकिंग की यानी चारों तरफ उसने ढूंढा कि कैमल आखिर है कहाँ फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर जो कैमल था वो वाटर में यानी जो पूल ऑफ वाटर था उसके किनारे पे खड़ा हुआ अपना खुद का रिफ्लेक्शन देख रहा था यानी अपने खुद की यहाँ पे अपने खुद को अप्रिशिएट कर रहा था और बहुत प्राउड फील कर रहा था कैमल जिन ने कहा माई फ्रेंड व्हाट दिस आई हियर ऑफ यू आर डूइंग नो वर्क जिन ने कहा माई फ्रेंड ये क्या बात है मैंने सुना है तुम कुछ काम नहीं करते हो द जिन सेट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड जिन बैठ गया और उसने अपने हैंड में अपने चिन को ले लिया इस तरीके से यू कैन सी इन द पिक्चर व्हाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर और कैमल क्या कर रहा है कैमल रिफ्लेक्शन देख रहा है इस वाटर में अपने खुद का रिफ्लेक्शन दे रहा है देख रहा है और अपने आप को अप्रिशिएट कर रहा है अपने आप को प्राउड फील कर रहा है यू हैव गिवन दैट थ्री एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मॉर्निंग मंडे मॉर्निंग ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस सेड द जिन एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड यहाँ पे जिन थिंकिंग कर रहा है सोच रहा है अपने हैंड्स में अपने चिन को लेके और उसने कहा कि तुम्हें तीन एक्स्ट्रा वर्क दिए जाएंगे क्योंकि तुमने मंडे मॉर्निंग से कुछ भी काम नहीं किया है और अब तुम इतने जो आइडलनेस है तुम्हारी जो लेजीनेस है तुम इतने लेजी हो आलसी हो उसके बदले में तुम्हें बहुत सारा काम एक्स्ट्रा दिया जाएगा हम सेड द कैमल लेकिन कैमल ने तो हमेशा की तरह क्या बोला हम आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू जिन ने कहा अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो हम बार बार नहीं कहता यू माइट से इट वांस टू ऑफन आई वांट यू टू वर्क तुमने बहुत बार ये हम कह दिया है अब मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ काम करो यानी हम तो बहुत हो गया अब कुछ काम करके दिखाओ एंड द कैमल सेड हम अगेन तो कैमल ने तो फिर हम तो बोला बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक दैट ही वाज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम देखिए अब की बार जैसे हम बोला उसने तो उसकी जो बैक थी उसकी जो पीठ थी जिसपे उसको बहुत प्राउड था उसको अपने लुक्स पे बहुत प्राउड था उस जो बैक थी उस पर पफिंग अप यानी स्वेलिंग होती गई और स्वेलिंग होते होते वहां पे क्या बन गया एक बड़ा सा हम्प बन गया सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि यहाँ पे उसके बैक पे एक हम्प बनता जा रहा है और जैसे जैसे वो हम कहता है ये हम बड़ा होता जा रहा है यानी हम्प वहां पे एक एक्सक्लेमेशन सेंटेंस वर्ड था हम कहना जैसे हम कहते हैं लेकिन वो रियल में एक हम्प बन गया और यहाँ पे हम का मीनिंग क्या होगा एक कुबड़ की तरह यानी कि जो उसका बैक का एरिया था वो स्वेलिंग हो गया और उसमें एक हंच बन गया डू यू सी दैट जिन ने कहा तुम देखो तुम्हारी बैक पे क्या बन गया यानी जो जितनी बार तुम हम कहते हो और उतनी ही तुम्हारी पीठ के ऊपर हम बनता जा रहा है दैट्स योर वेरी ओन हम ये तुम्हारा खुद का हम है दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग और ये जो हम बना है तुम्हारी गलती की वजह से बना है क्योंकि तुम काम नहीं करते हम कहते हो तो ये तुम्हारी बैक पे ये हम दे दिया मैंने एज ए पनिशमेंट टुडे इज थर्सडे अब मंडे से लेके थर्सडे आ चुका था और वहां पर उसने कुछ काम भी नहीं किया था तो उसने कहा कि आज थर्सडे हो गया और तुमने मंडे से कुछ भी काम नहीं किया है वेन द वर्क बिगेन और मंडे से काम शुरू हो गया था लेकिन तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है नाउ यू आर गोइंग टू वर्क अब तुम काम पे जाओगे और तुम्हें जाना ही पड़ेगा हाउ कैन आई अब कैमल ने पहली बार कुछ बोला और उसने क्या कहा अरे मैं काम कैसे करूंगा आपने तो मेरी बैक पे ये हम्प बना दिया है विद दिस हम्प ऑन माय बैक यानी आपने तो मेरी पीठ पे इतना मोटा सा एक उबड़ सा हम्प बना दिया है तो मैं कैसे काम करूंगा तो जिन ने क्या कहा दैट इज अ पर्पस
मैंने तुम्हारे बैक पे ये बनाया है, ये तुम्हारा खुद का ही हम्प है, क्योंकि तुम कुछ काम नहीं करते थे और तुम हम्प बोलते थे, लेकिन इसका एक पर्पज है। ये जो मैंने तुम्हें हम्प दिया है, इसका एक पर्पज क्या है? ऑल बिकॉज यू मिस दोस 3 days। एक तो पर्पज ये है कि तुमने 3 दिन से कोई काम नहीं किया है, तो यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। ये हम्प जो है तुम्हारे काम आएगा, तुम बिना कुछ खाए 3 दिन तक काम कर सकते हो, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि इस हम्प में फैट स्टोर होगा, और जो फैट होगा वो तुम्हें जब खाना नहीं मिलेगा तो तुम्हें एनर्जी देगा। तो आप सब जानते हैं कि कैमल के हम्प का क्या काम होता है, जब उसको फूड नहीं मिलता है बहुत दिनों तक, तो वो हम्प में जो फैट कलेक्ट होता है उस फैट से ही उसको एनर्जी मिलती रहती है। तो ये पर्पज के साथ जिन्हें उसके बैक पे हम्प दिया था, तो उसने कहा कि अगले 3 दिन तक भी तुम काम कर सकते हो बिना कुछ खाए, ये हम्प तुम्हें एनर्जी देगा। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। अब मुझे ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे बैक पे हम्प दे दिया और तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं है। यानी हम्प दिया है लेकिन वो भी यूजफुल है, तुम्हारे लिए हेल्पफुल है। कम आउट ऑफ डेजर्ट, अब इस डेजर्ट से बाहर आओ, एंड गो टू द 3 एंड बिहेव। अब तुम भी उस हॉर्स ऑक्स और डॉग के साथ जाओ, काम करो और प्रॉपरली बिहेव करो, यानी कि तुम्हारा जो एटीट्यूड था वो चेंज करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3। अब कैमल उन तीनों के पास चला गया, एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर ए हम्प। और तब से लेके आज तक हम देखते हैं कि कैमल के बैक पे एक हम्प होता है, एक उबड़ होता है, और उसका नाम फिर हम्प नहीं रखा, हम्प रखा था कि उसकी फीलिंग को हर्ट नहीं हो। बट ही हैज नेवर येट कॉट अप विद द 3 days एंड दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन 3 दिन जो उसने दुनिया के स्टार्टिंग में मिस किए थे, कुछ काम नहीं किया था, वो कभी भी उसको कम्प्लीट नहीं कर पाया। एंड ही हैज नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और अभी भी वो सीख नहीं पाया कि कैसे बिहेव करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो राइटर है वो ये कहना चाह रहे हैं, राइटर है रुडयार्ड किपलिंग, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो कैमल है वो बहुत ही प्राउडी और इल बिहेव एनिमल होता है, थोड़ा रूड होता है उसका एटीट्यूड। तो ये स्टोरी थी कि कैमल के बैक पे हम कैसे आया, और वो क्योंकि बहुत लेजी था, उसको एज अ पनिशमेंट ही हम पिला था, लेकिन हम का उसके लिए बहुत यूज भी है, जैसा कि जिन ने बताया। तो आई होप ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। टेक केयर। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।